नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के संपर्क फॉर समर्थन के तहत पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी गए थे। वहां उनसे एक डॉक्टर ने मिलने से मना कर दिया। ये पूरी घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। डॉक्टर के मना करने के बाद किसी और का नाम इस लिस्ट में जोड़ा गया। इस मामले में डॉक्टर की भी प्रतिक्रिया आ गई है। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी देश भर में संपर्क टू समर्थन अभियान चला रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से शुरू हुआ यह अभियान उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इस क्रम में योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे और 9 जून को पंचकोशी यात्रा के बाद 10 जून की सुबह यानी रविवार को शहर के अलग अलग इलाकों में प्रबुद्ध जनों से इस अभियान के तहत उनके घर पर मिलने पहुंचे। लेकिन उनके इस अभियान को एक डॉक्टर ने तगड़ा झटका दिया है। ये डॉक्टर बीएचयू के प्रोफेसर के लाहिरी हैं। इनसे योगी आदित्यनाथ को उनके घर पर मुलाकात करनी थी, लेकिन डॉक्टर लाहिरी ने ये कहकर मुलाकात से इनकार कर दिया कि यदि एक पेशेंट के तौर पर मिलना है तो अस्पताल के ओपीडी में मिले, ना कि घर पर। जिसके बाद आनन-फानन में टीके लाहिरी का नाम हटाकर प्रोफेसर सरोज चूड़ामणि का नाम डाला गया। सीएम योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर लाहिरी का मना किया जाना तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले पर जब बीएचयू के रिटायर्ड हो चुके प्रोफेसर टीके लाहिरी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मुझसे मिलकर क्या करेंगे। प्रोफेसर चूड़ामणि से उनकी मुलाकात हो गई और वो जा चुके हैं, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप योगी जी से मिलने से इनकार किया, तो उनका कहना था कि मैंने इनकार नहीं किया, मैंने तो ये कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, यदि वो मुझसे मिलना चाह रहे हैं तो एक पेशेंट के तौर पर अस्पताल के ओपीडी में मिले, ना कि मेरे घर पर। जिसके बाद ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संपर्क फॉर समर्थन अभियान के लिए किए जा रहे सभी दावे लगभग गलत हैं, क्योंकि लिस्ट में पहले टीके लाहिरी का नाम डाला जाना और फिर उनसे इनकार के बाद आनन-फानन में दूसरे प्रोफेसर का नाम ऐड कर देना, ये साफ कर रहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी या फिर उनकी नीतियों से लोग जुड़ रहे हैं और ना छोड़ने की सोच रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।